नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के 10 अजीबोगरीब कानून के बारे में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अपने किसी भी नागरिक को इजराइल जाने के लिए वीजा नहीं देता। इस वजह से कोई भी पाकिस्तानी यहां से सीधा इजराइल नहीं जा पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे क्या वजह होगी। दरअसल पाकिस्तान की नजर में इजराइल जैसा कोई देश ही नहीं है। इस वजह से यहाँ जाने के लिए भी पाकिस्तान से कोई वीजा जारी नहीं किया जाता। पाकिस्तान में पढ़ाई पर लगता है टैक्स। पाकिस्तान में अगर किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई पर साल में 2 लाख से ज्यादा का खर्च बैठता है तो उसे 5% टैक्स भरना पड़ता है। पाकिस्तान में गर्लफ्रेंड के साथ रहना है इलीगल। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आप शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ नहीं रह सकते, ये इलीगल है। पाकिस्तान में अनपढ़ भी बन सकता है पीएम। इस देश में पीएम या प्रेसिडेंट बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी स्कूल में चपरासी की नौकरी के लिए आपको एजुकेटेड होना जरूरी है। पाकिस्तान में आप पीएम का मजाक नहीं उड़ा सकते। यहाँ पीएम का मजाक उड़ाने पर अगर आप पकड़े गए तो आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है। पाकिस्तान में साल के 1 महीने बाहर खाना खाना मना है। रमजान के पाक महीने में घर के बाहर कुछ भी खाना इलीगल है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, तब भी इस नियम को मानना जरूरी है। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकते। यहाँ ट्रांसजेंडर का आर्मी ज्वाइन करना मना है। इस देश में इन लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। पाकिस्तान में किसी का भी फोन छूना इलीगल है। यहाँ किसी की भी परमिशन के बिना फोन छूना इलीगल है। इसके लिए आपको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। पाकिस्तान में स्पैम मैसेजेस भेजना इलीगल है। यहाँ आप किसी को भी फालतू के मैसेजेस नहीं भेज सकते हैं। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पाकिस्तान में कुछ अरबी शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन इलीगल है। कुछ अरबी शब्द जैसे अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी को अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया जा सकता और ये इलीगल है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।